तनु पर ये कैसे हुआ? मैंने चाल ये ऐसे चली कि उसे घर छोड़ के जाना ही पड़ा। और घर से तो क्या, वो अभी की लाइफ से भी जा चुकी है। मैंने इससे चक्कर भी घुमाया ना कि जाने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। I can't believe this। अभी ने खुद उसे इस घर से बाहर निकाला है, कहा कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और मैंने मैंने पता है क्या कहा? मैंने प्रज्ञा को कहा कि जब तक तुम अभी के सामने रहोगी ना, अभी को अपना बच्चा याद आता रहेगा, तो तुम उसकी लाइफ से दूर चली जाओ। और वो चली गई। फैंटास्टिक था। देखा, मैं तुमसे कहा था ना कि जैसा मैं तुम्हें करने के लिए कह रही हूँ, अगर तुम वैसा करोगी तो सब कुछ बिल्कुल एकदम परफेक्ट होगा। नहीं आलिया, इस बार ना तुम ना निकली, इस बार जो कुछ भी किया मैंने अकेले नहीं किया। प्रज्ञा को इस घर से अभी की लाइफ से मैंने अकेले निकाला, बिना किसी की हेल्प के। You know what, sweetheart? अगर तुम्हें वैसा लगता है तो बिल्कुल वैसा ही है। अगर तुम्हें हीरो बनना है तो तुम बन जाओ, तुम्हें क्रेडिट लेना है तुम ले लो। You know what? Actually, ये सब कुछ तुमने ही किया है। But सेलिब्रेट तो हम सबको करना चाहिए, पार्टी तो हम सबको करनी चाहिए, बिकॉज ये विक्ट्री तो हम सबकी है ना। सीधा तुम एक काम करो, तुम निखिल के घर पर आ जाओ, मैं भी यहीं पर हूँ, साथ में मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। Oh, wow. ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। You know what? वैसे भी बहुत टाइम हो गया, मैंने पार्टी नहीं की। अब मैं खोल के पार्टी करूंगी, ड्रिंक करूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी, कूदूंगी। Oh my God, I'm so excited! प्रज्ञा मेरी लाइफ से चली गई है। अब मेरी पूरी लाइफ पार्टी है। पार्टी तो कब की शुरू हो चुकी है स्वीरा। बाहर देखो कितनी जोर की लाइटनिंग हो रही है। ये बिजली ना आज प्रज्ञा पे गिरी होगी, बेचारी कहीं आंसू बहा रही होगी, और शायद इसीलिए बारिश भी हो रही है। Come over, we're waiting for you. आपने मेरे विश्वास का ये सिला दिया मुझे। इतना भरोसा करती थी मैं आप पे। प्रज्ञा का हाथ आपके हाथ में देकर गई थी कि आप आओगी तो किसी कुछ भी बुरा नहीं होगा, और आपने ही कहा था ना कि प्रज्ञा मेरी बहू बाद में बेटी पहले, ये सिला दिया आपने अपनी बेटी के साथ। एक मिनट सरला जी, क्या क्या रही है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे सब समझ में आ गया। उसे बुरा कहती है। आपने तो उसे मुझे भी नहीं बताने दिया कि सच्चाई क्या। मैं भी उसे बुरा समझती रही, और वो बेचारी सिर्फ अपना फर्ज निभाती रही, एक पत्नी होने का, एक बहू होने का, और आपने अपना एक भी फर्ज नहीं निभाया। सरला जी देखिए, पहले मुझे साफ साफ बताओ मैंने किया क्या। आप क्या कहना चाहती है? आप इतना भोला बंडे का नाटक कैसे कर सकती है? कितना विश्वास किया था मैंने आप पे, अपनी बेटी का अभिषेक प्रेम मेरा किया, सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि क्योंकि आप खुद चल कर आई थी प्रज्ञा का हाथ मांगने, और आपने मेरा पूरा विश्वास तोड़ दिया। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था? मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। प्रज्ञा घर छोड़कर आ गई, सारे रिश्ते तोड़ के आपके साथ, अभी के साथ और परिवार के साथ जो भी उसका रिश्ता था ना, वो तोड़ के वो इस घर पे वापस आ गई है। प्रज्ञा घर छोड़कर चली गई। और वो घर छोड़ के नहीं आती अगर आप उसे रोक लेती, अगर आप उसका साथ देती ना, और अपना हाथ उसके सर पे से नहीं हटाती तो वो छोड़ के नहीं आती। अब जब मेरी बेटी ने ही सब रिश्ते तोड़ दिए, मेरा आपसे बात करने का और आपसे कोई रिश्ता रखने का, आज से मैं आपसे सब रिश्ते तोड़ती हूँ। आज के बाद आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, सब रिश्ते टूट गए। दादी, दादी, दादी क्या हुआ? प्रज्ञा घर छोड़कर चली गई। हेलो माँ। माँ, ये आपने दादी से क्या कहा? वो ही कह रही थी जो सच, पूरा प्रज्ञा घर छोड़कर वापस आ गई। माँ, यहाँ ये बात कोई नहीं जानता।
इनफैक्ट दादी को भी कुछ भी नहीं पता, मुझे तो अभी अभी पता चला। मैं दादी को बताने आ ही रहा था पर देखा कि क्या कह रहा है, ये अभी की दादी को कुछ नहीं पता था, उन्हें नहीं पता था कि प्रज्ञा घर छोड़कर यहाँ वापस आ गई है। नहीं माँ, दादी को कुछ नहीं पता था और किसी को भी कुछ नहीं पता। माँ दी तो मुझसे मिली भी नहीं जाने सके। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी मैं ऐसे। मेरे को देखिए सरला जी, मेरी बात सुनिए। देखिए आप चिंता बिल्कुल ना कीजिए, जो भरोसा जो रिश्ता हमारे बीच में है वो मैं कभी नहीं टूटने दूंगी। मुझे तो पता ही नहीं है कि प्रज्ञा घर छोड़कर चली गई है। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे जाने ही नहीं देती। मैंने कहने के लिए उसे बेटी नहीं कहा, उसे बेटी मानती हूँ मैं, दिल से बेटी मानती हूँ उसे। और मेरे मरते दम तक प्रज्ञा इसी घर में मेरे साथ अभी के साथ रहेगी। प्रज्ञा मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी जिम्मेदारी है और मेरी ही जिम्मेदारी रहेगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, शादी पे प्रज्ञा ने ही कसमें नहीं खाई थी। कसमें मैंने भी खाई, वादा मैंने भी किया था आपसे, और मैं किए हुए वादे और खाई हुई कसमें मैं हर हाल में पूरा करूंगी। किसी बात की चिंता मत कीजिए, मैं इसके बाद अब कुछ गलत नहीं होने दूंगी। बस आप सिर्फ इतना कीजिए, प्रज्ञा को थोड़ी देर के लिए संभाले, जब तक मैं इस घर के माहौल को संभालती हूँ, सब कुछ ठीक करके मैं आपको फोन करती हूँ और प्रज्ञा को वापस यहाँ लेके आऊंगी। क्या कह रही थी? रिची उनको तो पता ही नहीं है कि प्रज्ञा घर छोड़कर यहाँ आ गई, और मैंने उन्हें कितनी बातें सुना दी, मेरे तो दिमाग की। तुझे कितनी दफा समझाया कि जरा सोच समझ के बोला कर, पता नहीं क्या क्या जो मुंह में आता है बोल जाती। क्या सोचती होंगी तेरे बारे में? प्रज्ञा कैसे घर छोड़कर चली गई? उसने कहा था ना मैं अभी को कभी अकेला नहीं छोड़ू, तो कैसे चली गई वो? तीने खुद घर नहीं छोड़ा, अभी को मजबूर किया गया घर छोड़ने के लिए, वो भी उस तनु ने। दादी उस तनु ने जाके अभी को पता नहीं क्या क्या बोला, उसको क्या भड़काया, और रवि ने अभी को गुस्से में आके पता नहीं क्या बातें सुना दी। दादी ये सब उनकी वजह से हुआ है, उनकी वजह से आज दी घर छोड़ के गई। और आपको पता है मैं अभी अभी सुन के आ रहा हूँ, वो तनु तो निखिल के घर जा रही है सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि जो वो चाहते थे वो तो हो गया ना दादी। प्रज्ञा दी घर छोड़ के चले गई, और दादी पर मैं अब चुप नहीं बैठूंगा, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या करेगा तू उसे सुनाने से? क्या प्रज्ञा वापिस आ जाएगी घर पे? उनका कोई कसूर नहीं, इस सारा का सारा कसूर अभी का है। अरे तनु तो है ही बेशर्म, उसका तो काम है दूसरे के घरों को उजाड़ना। तनु जैसी 10 औरतें मिलके भी प्रज्ञा को घर से बाहर नहीं निकाल सकती जब तक के अभी ना चाहे। अभी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी ने प्रज्ञा को घर से जाने के लिए कहा, वो भी मुझसे पूछे बगैर। मैं प्रज्ञा को हर हालत में वापस लेके आऊंगी। अगर मुझे अभी ने ऐसा करने से रोका तो अभी को एक और फैसला करना पड़ेगा। अभी तो उसने फैसला किया है ना, तनु और प्रज्ञा के बीच में सिर्फ तनु को चुना है ना, अब उसको तनु और दादी के बीच में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। अगर प्रज्ञा इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ अभी के पास, उसको सब सच बता दूंगी, उसको बता दूंगी कि ये सब किया मेरा है, मैं ही प्रज्ञा को इस घर में इस घर की मालकिन बनाकर लेके आई थी, मैं लेके। और प्रज्ञा ने जो कुछ भी किया है मेरे कहने पे किया, तो इस सब की जिम्मेदार कौन हुई? मैं हूं। अगर प्रज्ञा ने कोई गलती की है तो मैंने उससे ज्यादा गलती की है। मैं तनु और निखिल का भी सच बता दूंगी कि वो क्या क्या करते आए हैं और क्या कर रहे हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। आज फैसला होके ही रहेगा, या तो इस घर में हम रहेंगे या फिर तनु रहेगी। तनु! Come on, दादी, देखिए इस वक्त मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ और मैं पार्टी करने जा रही हूँ, तो आपने अपना ये लेक्चर किसी और दिन सुनाना। वैसे अगर आप कुछ कहेंगे भी तो भी क्या फर्क पड़ता है? ना मैं इस घर से जाने वाली हूँ और ना ही प्रज्ञा वापस आने वाली है, तो अच्छा यही होगा कि आप मुझे इस घर की बहू मान ही ले, ठीक है?
बाय। ये क्या किया नालायक, प्रज्ञा को घर से निकाल दिया, इस घर की बहू को घर से निकाल दिया। अरे शादी करके लेके आया था, पत्नी है वो तेरी, कोई घर का सामान नहीं है जिसे जब चाहा बाहर फेंक दिया। तूने ऐसा सोचा भी कैसे? और जब तूने निकाल दिया तो मुझे क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं पूछा मुझे? औरत डोली में बैठ के ससुराल आती है और अर्थी पे घर से बाहर जाती है, क्यों निकाला उसे बाहर? मेरी तरफ देख, मैं कुछ पूछ रही हूं। क्या समझाया था मैंने तेरे? बचपन से बताती चली आ रही हूं कि ये रिश्ते जो है ना भगवान की तरफ से बनाकर भेजे जाते हैं, पर निभाना इंसान को ही पड़ता है। हमारा सुख दुख, हंसना रोना, जीना मरना, सब इन रिश्तों से जुड़ा होता है। और जो रिश्ता भगवान ने बनाकर भेजा है उसे तू कौन होता है तोड़ने वाला? बताया था ना तुझे, एक पति पत्नी का रिश्ता मौत तक रहता है, पर तू, अरे तुझसे तो एक साल भी नहीं निभाया गया ये रिश्ता, निकाल दिया उसको मेरे पूछे बगैर, मेरी पीठ पीछे। नहीं दादी, मैंने उसे नहीं निकाला। रोका भी तो नहीं ना, जाने दिया ना उसको, मजबूर कर दिया कि वो खुद घर छोड़कर चली जाए। शादी के रिश्ते की बुनियाद जो है ना दोनों हाथों से बनाई जाती है, अगर एक हाथ हट जाए तो ये बुनियाद तो टूटी जाती है ना। अगर तू ये समझता है कि तू पति है, तू कुछ भी कर सकता है, तो ये तेरी भूल है। तू मत भूल, ये रिश्ता ना मैंने ही बनाया तेरा, मेरे आशीर्वाद से ये रिश्ता बना। अरे पूछना जरूरी नहीं समझा तो बता तो देता कि मैं क्या चाहती हूँ, या फिर प्रज्ञा की तरह तूने मुझसे भी रिश्ता तोड़ लिया था। दादी मत कह मुझे दादी, मर गई तेरी दादी। जो अपनी पत्नी का ना हो सका वो मेरा पोता नहीं हो सकता, जो मेरे दिए हुए संस्कार भूल गया वो मेरा पोता नहीं हो सकता। मत बुलाना मुझे दादी, ये तूने ठीक नहीं किया। प्रज्ञा तेरी पत्नी ही नहीं, मेरी बहू भी है, तेरा अकेले का हक उस पर नहीं है, मेरा हक भी है उस पर। तूने मुझे बताए बगैर उसको घर से कैसे निकाल दिया? अरे हर काम तू मुझसे पूछे बिना करता नहीं, फिर इतना बड़ा फैसला क्यों तूने मुझसे पूछे बगैर उसे घर से निकाल दिया? अभी मुझे जवाब चाहिए। ठीक है, नहीं देगा ना जवाब, तूने जो फैसला कर लिया अब जवाब भी नहीं देना तो फिर मेरा फैसला भी सुन ले। अगर तुझे लगता है कि प्रज्ञा गलत है, उसे तेरे साथ नहीं रहना चाहिए, तो मेरा भी ये फैसला है, मुझे भी तेरे साथ नहीं रहना। तूने उससे अपना रिश्ता तोड़ा है ना, मैंने तो नहीं तोड़ा। तू उसे छोड़ सकता है अकेले, पर मैं नहीं छोड़ सकती। अब मैं भी वही जाऊंगी जहां पे मेरी बहू जाएगी। तू रह तनु के साथ, ठीक है? और हमें कभी याद मत करना, और कभी याद आना भी मत। भूल जाना कि तेरे कोई अपने भी हैं। सुन लिया ना तूने? सुना मैंने दादी, और सही कह रही है, मैं भूल जाऊंगा कि मेरा कोई अपना था, और मुझे भुलाना ही होगा दादी। याद करूंगा तो जी नहीं पाऊंगा दादी। पहले प्रज्ञा मुझे छोड़कर चली गई, अब आप मुझे छोड़कर जा रही है। चले जाओ, सबके सब चले जाओ दादी, क्योंकि जब इंसान को कोई जगह अच्छा नहीं लगता तो उस जगह को छोड़कर चला ही जाता है ना। पर मैं कहां जाऊं दादी, मेरे पास तो कोई चॉइस भी नहीं है ना, और कोई चॉइस कभी थी नहीं दादी। आप ही ने मुझे सिखाया था ना कि इंसान को अपने रिश्ते निभाने चाहिए,
दादी मैं तनु से प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था मैं, पर आलिया के कहने पर और आपके जोर डालने पर मैंने प्रज्ञा से शादी की। उसके साथ मैंने अपना रिश्ता निभाया दादी, मैंने उसकी केयर की, उसकी इज्जत की, यहां तक कि उससे प्यार तक किया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला दादी? मेरा सब कुछ छीन लिया उसने, और जाते जाते बच्चा भी। आपको ये दिख रहा है कि मैंने उसके साथ गलत किया, लेकिन मेरे साथ जो गलत हो रहा है वो आपको नजर नहीं आता दादी। मैंने तनु से शादी नहीं की, लेकिन उस बच्चे के साथ तो मेरा रिश्ता था ना दादी। क्यों मुझे वो रिश्ता निभाने नहीं दिया गया दादी? क्यों प्रज्ञा ने मुझसे वो हक छीन लिया? मैंने प्रज्ञा को सुना, उसे जाने के लिए कहा, और जब वो जा रही थी तब मैंने उसे रोका भी नहीं। मैं कैसे रोकता दादी? मैंने अपना बच्चा खोया है दादी, और उसे मारने वाला मेरे सामने खड़ा है, तो मैं कैसे चुप बैठता? सारे सबूत गवाह को देखने के बाद मैं अपनी आंखें कैसे बंद कर लेता दादी? अगर मैंने कुछ सही नहीं किया ना दादी, तो मैंने कुछ गलत भी नहीं किया। मेरे बदले में अगर कोई और होता तो शायद वो भी यही करता दादी। पर किसी को ये बात क्यों समझ में आएगी? पहले प्रज्ञा मुझे छोड़कर चली गई, अब आप भी जा रही है, पर किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपना बच्चा खोया है, मेरा प्यार मुझे छोड़कर चला गया, और अब आप भी जा रही है। उससे अच्छा होगा कि मैं ही ये घर छोड़कर चला जाऊं ना। यहां रहूंगा तो अपने बच्चे और प्रज्ञा की याद में डूब जाऊंगा, और आप भी नहीं रहेंगी तो मैं पूरी तरीके से टूट जाऊंगा। इस घर में रहने के लायक नहीं रहूंगा। नहीं दादी, मैं इस घर में अब नहीं रह सकता। नहीं रहूंगा मैं इस घर में। नहीं, कहीं नहीं जाए। अरे क्यों नहीं कर सकता मैं दादी? जब सब अपनी मन की कर सकते तो मैं अपनी मन की क्यों नहीं कर सकता? आपने उनसे कहा था कि रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं है, मैं रिश्ते निभाते रह गया। मेरे अपने कहा है, मेरी बहन मुझे छोड़कर चली गई, मेरा प्यार मुझे छोड़कर चला गया, मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं है। आप जाने की बात करी तो मैं इस घर में क्यों रहूं दादी? किस लिए रहूं? किसके साथ रहूं? नहीं रहना ना मुझे इस घर में, प्लीज दादी मुझे रोकिए मत, जा रहा हूं मैं। नहीं दादी, मैं आप किसी की नहीं सुनने वाला, नहीं रुकने वाला मैं इस घर में। अभी 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 देख मेरी बात सुन, तू कहीं नहीं जाएगा, तू यहीं पे, एक बार मेरी बात सुन सब। अभी इतना खुश हूं स्वीटहार्ट कि मेरे हाथ से ना खून हो जाएगा। I'm proud of your performance, so I'm so thrilled कि मेरे हाथ से तुम्हारी इस फ्रेंड का खून हो जाएगा किसी दिन। क्या करूं स्वीटी, तुम्हें मालूम है मेरा सडनली सटक जाती है, और जैसे मैंने तुम्हारी जबान पे लगाम लगाई थी वैसे इसकी जबान काट दूंगा मैं कभी। मेरे कमीनेपन पर शक करती है ये। हॉस्पिटल में था, बच्चा गया था मेरा, और ऊपर से प्रज्ञा देवी वहां पर भाषण दे रही थी, और यहां से ये फोन पर मुझे भाषण दे रही। इमोशनल मत हो जाओ, तो हेल विथ इट, मैं इमोशनल नहीं था। बच्चे से याद आया, मुझे तो लग रहा है कि हमारा सारा प्लान बच्चे पर डिपेंड था, लेकिन ये तो बच्चा जाने के बाद हमारा प्लान ज्यादा सक्सेसफुल हो गया स्वीटी। तो मैं सोच रहा था ना, मैं तो कब का बच्चा मार देता यार, ऐसे क्या देख रहा है यार? अरे मैं कह रहा हूँ कि प्रज्ञा को किडनैप करने के बजाय हम बहुत पहले तनु को किडनैप कर लेते, तनु को किडनैप करते और तनु का बच्चा मार देते, पूरा इल्जाम प्रज्ञा पर डाल देते। And then we would be having this party बहुत पहले। तुम ये जो कुछ बोल रहे हो, ये तुम सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हो या ये सच में कर देते? नहीं आलिया, मैं करके दिखाता था। प्रज्ञा को किडनैप करने में कितना माथा फोड़ी करना पड़ा, इससे तो बेहतर है कि जिस किडनैप घर की मुर्गी, हा? बच्चा भी खत्म, तनु को भी खत्म कर। Just kidding, baby. Just joking. उसको किडनैप करके बच्चा अबॉर्ट कर देते, और मानो आठवां महीना है, बच्चे को अबॉर्ट नहीं भी कर पाते तो एक्सीडेंट करवा लेते, खत्म कर देते बच्चे को। मुझे लगता है कि हमारा गुड लक था जो हमें सारी चीजें एक साथ मिल गई। लेकिन एक बात बताओ मिस्टर निखिल, तुम ऐसे अकेले ही सेलिब्रेट करते रहोगे या मेरे और तनु के लिए भी कोई ग्लास बनाओगे? मैनर्स, बैड मैनर्स, मेरी जान की तो कब से मैं राह देख रहा हूँ। लेट्स सेलिब्रेट, कम ऑन।
कमा। प्रज्ञा दी का वो अंदर कमरे में। माँ मुझे उनसे बात करनी है अभी, जल्दी प्लीज। किसी से बात नहीं करनी। माँ उन्हें बात करनी पड़ेगी, मुझे उनसे अभी बात करनी है। आप समझ ही नहीं, बहुत मैं उनसे क्या। दी दी प्लीज दरवाजा खोलिए। दी प्लीज ओपन द डोर। मुझे किसी से बात नहीं करनी, पूरब चले जाओ यहाँ से। दी प्लीज दरवाजा खोलिए, आपको मुझसे बात करनी होगी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, आप दरवाजा खोलिए। पूरब तुम क्यों नहीं समझे, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। दी देखिए मेरी बात सुनिए, आपका गुस्सा, आपका आपका हर चीज अपनी जगह पे सही है, पर अभी उसका वक्त नहीं है। दी मुझे आपसे बात करनी है, आप क्यों नहीं समझ रही, आप प्लीज दरवाजा खोलिए। दी पूरब मैंने कहा ना मैंने किसी से। दी देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं मेरे लिए नहीं सही तो कम से कम अभी के लिए दरवाजा खोल दीजिए। दी मुझे आपसे उसी के बारे में बात करनी है, प्लीज दरवाजा खोलिए। दी दीप दी दीप दी आप ऐसे कैसे घर से चले। दी आपने मेरे को और दादी को बताना जरूरी भी नहीं समझा, आप ऐसे ही घर से चले, कम से कम हमें बता तो देते एक बार, क्या एकदम से सारे रिश्ते विश्ते सब तोड़ दिया आपने। दी क्या यही तक साथ था हमारा, क्या यही दिन देखने के लिए मैं और दादी आपके साथ आपकी लड़ाई में शामिल हुई थी, मतलब आपने सोचा कि सब खत्म हो गया तो सब खत्म। पूरब तुम नहीं जानते वहां क्या हुआ, उन्होंने मुझसे क्या कहा। दी क्या बोला उसने, और वो गुस्से में कुछ भी बोलता है, आप जानती हैं उसे, वो जब गुस्से में होता है कुछ भी बोलता है और सबको बोलता। दी इस समय वो बहुत अकेला महसूस कर, और आपके बिना तो पूरा टूट जाएगा। दी ये बच्चा भले ही निखिल का हो पर उसके हिसाब से तो उसका खोना ना, उसने अपना बच्चा खोया उसके अकॉर्डिंगली, तो ऐसे में तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा ना। दी उसको ऐसी हालत में आपकी जरूरत है, आपका साथ चाहिए, और आप उसको छोड़ के यहाँ पे आ गए। उन्हें मेरी नहीं तनु की जरूरत है पूरब, मैं उनके सामने रहूंगी तो उनका दुख कम करने की जगह और बढ़ाऊंगी। तनु ने मुझसे कहा है कि वो उनका ख्याल रखेगी, उनके साथ रहेगी। आप जानती हैं उसने अपना बच्चा खोया, उसको उसका कोई गम नहीं है। थी इनफैक्ट वो तो इस बात का जश्न मना रही है कि उसने आपको हरा दिया, निखिल के घर जाके आपको अपने घर से निकालने के बाद वो पार्टी कर रही थी, सेलिब्रेट कर रही है इस बात को, और आप कहती है वो अभी को संभालेगी। थी जिस औरत को अपने बच्चे के खोने का गम नहीं है वो अभी को नहीं संभाल सकती थी। और अभी दी आपको पता है वो उस सब सह सकता है, सारी तकलीफ सह सकता है, हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, पर अपनों का दिया हुआ दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। थी पहले भी नहीं कर पाता था और आज भी नहीं कर पाएगा। थी वो अपनों का दिया धोखा बर्दाश्त कर सकता है, बट अगर कोई अपना उससे दूर चले जाए, उसको दुख पहुंचाएगा ना। दी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो संभाल नहीं पाएगा अपना, वो टूट जाएगा, अकेला पड़ जाएगा जैसे कि अभी पड़ गया। और जब से दादी ने भी घर छोड़ने की बात करी है तो उसको तो समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। पहले उसका बच्चा चला गया, फिर उसकी बीवी चली गई, और अब दादी भी घर छोड़ने की बात करी है तो ऐसे में तो वो बंदा ऐसे ही रिएक्ट करेगा ना। थी मुझे आज भी याद, जब वो 12 साल का था ना तो उसको अपनी माँ के मरने की खबर मिली थी और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया था। वो इतना परेशान हो गया, इतना डिप्रेस हो गया कि वो अपनी जान देना चाहता था। थी रेलवे ट्रैक पे जाके लेट गया था, वो तो एन वक्त पे दादी ने आके उसे बचा लिया, तो आज वो हमारे साथ। उस वक्त में और आज में कुछ ज्यादा बदला नहीं है। थी उस वक्त उसने अपनी माँ को खोया था और आज उसके हिसाब से उसने अपने बच्चे को खोया। मुझे तो इस बात का डर है कि जो काम उसने इतने साल पहले अधूरा छोड़ दिया था वो इस बारी पूरा ना कर ले। दी और अगर ऐसा हो गया ना तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हो गए थी, क्योंकि तनु तो वही कर रही है जो उसको कर रहा है और उससे ज्यादा मुझसे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती। पर दी आप प्यार करती है ना अभी से। दी अगर आप उससे प्यार करती है तो उसे अकेला छोड़ के यहाँ पे कैसे आ सकती है। थी पूरब कहाँ है वो, जब से दादी ने घर छोड़ने की बात करी उसने गुस्से में खुद ही घर छोड़ दिया। थी उसने ये भी कहा कि वो कभी लौट के नहीं आएगा, कोई नहीं जानता कहाँ है कैसे आए, वो ठीक भी है या नहीं पता नहीं कैसा होगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, पूरब तनु ने मुझसे कहा था कि वो उनका ख्याल रखेगी, उसे उनके साथ होना चाहिए ना। दी तनु उसका ख्याल नहीं रखेगी, आप क्यों नहीं समझ रही, आप अभी भी एक्सपेक्ट करती है कि तनु अभी के लिए कुछ करेगी।
दी, उसका बच्चा मर गया फॉर गॉड सेक, और वो पार्टी कर रही है निखिल के साथ। इनफैक्ट उसको तो पता भी नहीं होगा कि अभी घर छोड़ के जा चुका है, उसको पता ही नहीं होगा कि अभी कहां है, ठीक है भी या नहीं, क्योंकि वो तो निखिल के साथ है ना। ये अब जो कुछ भी करना है ना वो आपको करना है, क्योंकि तनु कुछ नहीं करेगी। Three musketeers and the three kaminas. कितना नाक में दम किया ना उसने हमारे, और कितनी आसानी से हमने उसे मक्खी की तरह ही वो पकड़ के बाहर निकाल दिया। सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। तुम्हें पता है इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया? पकड़े जाने पे पेट दर्द की एक्टिंग करनी पड़ी। मैंने जो भी किया ना बड़ी समझदारी से किया। मैंने ऐसे वार किए जो खाली ना जाए। तनु स्वीटहार्ट, तुम्हारा कोई वार खाली वैसे भी नहीं जाता, क्योंकि हमारी इस जीत के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट हथियार था। हमारा हथियार हमारा बच्चा था डार्लिंग, हमारा बच्चा। वो बच्चा जो कभी अभी का था ही नहीं, जब जिंदा था तब भी नहीं था, अब मर गया है तब भी नहीं उसका। वैसे देखा जाए तो जब वो बच्चा था तब भी तुम्हें कोई खुशी नहीं थी, और उसके जाने के बाद भी तुम्हें कोई गम नहीं। इनफैक्ट तुम तो उसके जाने के बाद सारी कर रहे हो। मैं मेरे बच्चे के मरने की पार्टी नहीं मना रहा हूँ आलिया, मैं पार्टी मना रहा हूँ अभी और प्रज्ञा के रिश्ते की मौत की। Is that clear? Right. हम प्रज्ञा और अभी के रिश्ते की दी एंडिंग की पार्टी कर रहे हैं, वो रिश्ता जो शादी के बाद भी एक नहीं हो पाया। Cheers. 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 थोड़ा? आलिया, come on. आप no, तो no, I don't want... सब कुछ याद आ गया कि अभी याद दिला। क्या कहा था तुमने मुझसे कि इनका ख्याल रखोगी? इन्हें जिस सपोर्ट की जरूरत है इस वक्त वो सपोर्ट दोगी, इनका दुख बांटोगी, ये ख्याल रख रही हो इनका। उनका अकेलापन दूर करने की जगह उन्हें वहां अकेला छोड़कर यहां तुम, उनका दुख बांटने की जगह इन दोनों के साथ अपनी खुशियां बांट रही हो। बड़ी बेवकूफ हूँ, मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम बस मुझे उस घर से निकालने के लिए वो सब झूठ बोल रही थी। तुम्हारा अपना बच्चा, उसकी मौत पर नकली आंसू बहा रही थी तुम। असली आंसू तो उस इंसान की आंखों से निकल रहे जिसका ये बच्चा है ही नहीं। और तुम इतनी दूर से यहाँ ये सब करने आई, तुम्हें याद है ना इसी वजह से तुम्हारे परिवार ने तुम्हें खुद से इतना दूर भेज दिया था। दुख हो रहा है मुझे, लेकिन हैरानी नहीं हो रही। हैरानी तो मुझे इस बात पर है कि अच्छे इंसान की बहन ऐसी कैसे हो सकती। और तुमसे तो कुछ भी कहना कीचड़ में पत्थर फेंकने जैसा। तुम्हारा अपना बच्चा था ना, इस स्वार्थ के लिए तुमने खुद उसे मार डाला। जानवरों से भी बदतर हो तुम सबके साथ। लेकिन अब ये सब खत्म, द पार्टी इज ओवर राइट नाउ। क्या कुछ नहीं किया मैंने अपने पति को पाने के लिए, अपनी बहन को खो दिया, मेरी माँ मरते मरते बच गई, और आज तुम्हारी वजह से अपने पति की खुशी के लिए मैं वो घर छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन अब मैं समझ गई कि उन्हें मेरी ज़रूरत है, और मुझे उनके साथ ही रहना है, क्योंकि मैं ही हूँ जो उनकी तकलीफ समझ भी सकती हूँ और उसे दूर भी कर सकती हूँ। तुम होश में हो ना प्रज्ञा? तुम अभी को जाके क्या कहोगी, या उसके सामने जाके रोओगी, गिड़गिड़ाओगी, या फिर ये कहोगी कि तुमसे गलती हो गई कि तुमने मेरा बच्चा मारा, या फिर अभी को जाके ये कहोगे कि ये बच्चा अभी का था ही नहीं? प्रूफ कैसे करोगी? आई मीन ये सारी चीजें तो तुम पहले भी कर चुकी हो, तुम तब भी प्रूफ नहीं कर पाई थी और अब भी कुछ नहीं कर पाओगी। मुझे ना कुछ करने की जरूरत है ना कुछ कहने की, जो कुछ भी करना है ये सबूत करेगा। तुम लोगों की सच्चाई इनके सामने ये सबूत लेकर आएगा। जो भी तुम लोगों के ग्लास में ड्रिंक बाकी है ना खत्म कर लो, क्योंकि मैं जो करने जा रही हूँ ना उसके बाद तुम्हारे गले से पानी तक नहीं उतरेगा, और फिर मैं पार्टी रखूंगी मेरे जीत की और तुम सबके हार की। तुम सबका यह खेल खत्म।
अब मैं जाकर तुम सबकी सच्चाई अपने पति को बताऊं। अरे प्रज्ञा जी, एक मिनट। अब सच्चाई यहाँ से बाहर लेकर कैसे जाएंगे? आई अपनी मर्जी से है, जाएंगी मेरी मर्जी से, वो भी बिना सबूत के। डोंट एक्ट स्मार्ट। हाथ से निकल गई और सबूत उसके हाथ लग गए और तीनों हम यहाँ बंद हैं। अब क्या होगा? हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना भगवान। वो बहुत अकेला है। हमने उस वक्त उसका साथ छोड़ा जब उसको हमारी बहुत जरूरत थी। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं अपने बेटे और बहू को क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरे बच्चे की रक्षा कर रहा हूँ, बच्चे की रक्षा कर रहा हूँ। सुनिए, कहाँ हैं आप? सुनिए, सुनिए, मुझे आपसे बहुत। दादी, 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 मैं वापस आ गई। इसी दिन के लिए मैं तुझे इस घर में लेके आई थी। इसी दिन के लिए मैंने तेरा ये रूप बदला था। अरे हार ही माननी थी तो फिर लड़ाई शुरू क्यों की? अभी को छोड़ के ही जाना था तो फिर वापस क्यों आई थी? जवाब दे। चली गई थी तू? इतना बड़ा फैसला ले लिया मुझसे पूछे बगैर, ये भी नहीं सोचा कि तेरी दादी का हाल क्या होगा, अभी पे क्या बीतेगी। बस मुंह उठाया और चली गई। ये भी नहीं समझ पाई कि अभी गुस्से में है, दुखी है। गुस्से में कही बातें दिल पे लगा के बस रिश्ता ही तोड़ दिया तूने। इतना ही प्यार करती है तू मुझे, इतनी इज्जत करती है, बहुत प्यार करती है ना, अभी से तोड़ के चली गई। गलती हो गई, मैं जानती हूँ मुझे ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। कुछ देर के लिए दादी मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इनसे दूर रहूंगी तो ये खुश रहेंगे, लेकिन लेकिन दादी अब मुझे एहसास हो गया कि ये इनकी खुशी मेरे साथ रहने में है, ये मेरे बगैर नहीं जी पाएंगे। दादी मैं जानती हूँ कि इनका ख्याल सिर्फ मैं रख सकती हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं, और मैं इन्हें सारी सच्चाई बताना चाहती हूँ। दादी कहाँ है वो? मैं खुद बहुत परेशान हूँ। मुझे लगा था उसने तुझे घर से निकाल दिया, मेरे गुस्से में आकर पता नहीं क्या क्या उसे सुना दिया और वो मायूस होकर घर छोड़कर चला गया। और जाते हुए ये भी कह के गया कि वापस नहीं आऊँगा। प्रज्ञा उसका फोन भी नहीं लग रहा, कैसे ढूंढेंगे उसे, कहाँ ढूंढेंगे? मेरी समझ में नहीं आ रहा, दिल बहुत घबरा रहा है। दादी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं उन्हें कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगी। वो मेरी वजह से गए ना, मेरी ही वजह से वापस आएंगे। आप परेशान मत होइए। सच्ची कह रही है ना, ढूंढ लेंगे उसे। हाँ दादी, मैं उन्हें तनु और निकल की सारी सच्चाई बता दूंगी और उन्हें वापस लेकर आऊंगी। आप बस आप बिल्कुल परेशान मत होना, रोना नहीं, बस मेरा इंतजार करना। मैं आती हूँ, लेके आना उसे। शुक्र है, आप सब ठीक हो जाएगा, बस तेरी मेहर चाहिए। अपने आप को बहुत बड़ा मर्द समझते हो ना? वो पतली सी सुकड़ी सी प्रज्ञा तुम्हें तुम्हें मार कर चलेगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाए, उसे रोक भी नहीं पाए। शेरनी है वो, घायल शेरनी। उसको पता है कि तनु ने उसके साथ प्लान करके उसे सिर्फ घर से बाहर निकाला है, इसलिए अब वो किसी के हाथ में नहीं आने वाली है। Do you realize this? तो क्या करे हा? इसे हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहे यहाँ पर, इंतजार करते रहे कि कब वो दोबारा आए और हमारा जीना दुश्वार कर दे। अरे क्या हाथ पे हाथ,
मैंने उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन तुमने उसे देखा नहीं? वो लोखंड का वास कैसे मेरे सर पे फोड़ा उसने, अभी तक सर घूम रहा है। अगर मैं भी गिरी ना होती तो उस चूहिया को पूंछ से पकड़ लेती मैं। तुम तो नहीं, तो ठीक से चल नहीं पा रही हो तुम। चलिए उसे पकड़ने। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? हाँ हाँ, तुम्हारी वजह से हो रहा है, और तुम्हारी वजह से वो यहाँ आई है। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि तुम यहाँ आई हो। प्रज्ञा को कैसे पता चला? मुझे क्या पता? मैं बताता हूँ कैसे पता चला। ढिंढोरा पीटा होगा तुमने कि मैं पार्टी मनाने जा रही हूँ, अपनी खुशी की, अपनी जीत की पार्टी मनाने जा रही हूँ। मेरी वजह से वो सिर्फ घर छोड़ के गई और कुछ नहीं। तुम्हारे अकेले की वजह से नहीं गई वो, इस औरत के निकम्मे लोगों को गवाह बना के भेजे थे उसको। वरना अभी को कभी भी ये यकीन नहीं होता कि प्रज्ञा ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। तो ज्यादा स्ट्रांग बनने की कोशिश मत करो। तुमसे तो ज्यादा स्ट्रांग हूँ। देखो जरा कितना स्ट्रांग होता। दिखा दिखा। अभी दिखाती हूँ मैं। अब बोलो बोलो कौन ज्यादा स्ट्रांग है, बोलो। तनु बचपना छोड़ो और चाकू नीचे रखो प्लीज। बचपना? दिखाओ अपनी बहादुरी, दिखाओ। देखो तनु लग जाएगी, तुम इस तरह रिएक्ट मत करो, वरना मैं तुम्हें। वरना क्या? Just stop it, you idiots. क्या तरीके है? कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो तुम दोनों के दोनों। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? यहाँ पर वो प्रज्ञा सबूत लेकर भाग गई। अब तक तो अभिषेक प्रेम मेहरा के पास भी पहुंच चुकी होगी, पर अगर वहां पर जाकर उसने सब कुछ बता दिया ना, तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे, उसे रोकना होगा हमें। पर कैसे? हम लोग तो यहाँ पे लॉक्ड हैं। निकल, तुम्हारा कोई नेबर या कोई दोस्त है जो आकर यहाँ पर दरवाजा खोल सकता है हमारे लिए? है, लेकिन मेरी किसी के साथ बनती नहीं है। तो फिर एक काम करते, हम लोग खिड़की से कूद के चले जाते। लगता है इनका नशा अभी तक उतरा नहीं है। तनु जी, हम 6th फ्लोर पर हैं, तुम चाहती हो तो कूद जाओ, यहाँ सोचना पड़ता है। अरे कोई तो होगा निखिल, सोचो ना। विपिन, मेरा दोस्त, वो जरूर आएगा दरवाजा खोलने, वरना मैं बंद कर दूंगा उसके सारे दरवाजे। हाँ संतोष, सर आए क्या तुम्हारे वहाँ? नहीं मैडम, सर तो ऑफिस नहीं आए। कहाँ चले गए आप? कहाँ ढूंढूं आपको? ऐसी जगह पर जहाँ पर तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। अच्छा, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मैं आपको नहीं ढूंढ पाऊंगी? कोप भवन। कोप भवन में एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं तब जाता हूँ जब मुझे बहुत गुस्सा आता है, या मुझे अपने आप से रहना है, या मुझे अपने आप से बातें करनी है, या मैं जब पागल हो जाता हूँ तब। जी मुझे भी बताइए कहाँ है ये आपका सीक्रेट कोप भवन? तो ये कोप भवन जो है ना वो मैं तुम्हें क्या बताऊँ। अरे कभी मुझे गुस्सा आ गया तो चिंबूर जाओ ना, कोप भवन जाकर क्या करोगे? नहीं बताएंगे तो मैं फिर से गुदगुदी करूंगी, मेरी उंगलियां तो कुलबुला रही आपको बुलाने के लिए। ड्रोन कुलबुलामी, क्या कर रही हो तुम पागल हो गई हो? अरे तुम बताइए ना। देखो देखो बताइए वरना मैं रुकूंगी नहीं। तो ये जो कोप भवन है, पहले तुम प्रॉमिस करो तुम किसी को नहीं बताओगे। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस? पक्के से भी पक्का प्रॉमिस। ठीक है, तो कोप भवन जो है ना वो लोनावला के रास्ते में आता है। वो तो हॉलिडे होम है ना, आपने हॉलिडे होम को कोप भवन बना दिया। हाँ, जब एंजॉय करना हो तो हॉलिडे होम, जब गुस्से में होता हो तो कोप भवन। मुझे पता है आप कहाँ हैं और मैं आ रही हूँ आपके पास। हेलो दी, दी अभी का कुछ पता चला? हाँ पूरा मुझे पता है होगा। मतलब वो अपने ऑफिस में? दी मैं काम करता हूँ, मैं भी वहीं आता हूँ। नहीं नहीं पूरा वो ऑफिस में नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ वो कहाँ। तो दी आप एक काम करिए, आप उसके ऑफिस में ही रहिए, मैं आपको पिक करने आता हूँ, साथ में उसको ढूंढने चलते हैं। नहीं पूरा मैं ऑफिस में नहीं, मैं उनसे मिलने के लिए निकल चुकी हूँ, और तुम मत आओ, मैं अकेले ही जाऊँगी। दी बाहर मौसम भी बहुत खराब है, मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकते। पूरा प्लीज मेरी बात मानो, वो जहाँ है वहाँ तुम नहीं आ सकते, मुझे अकेले ही जाना होगा। लेकिन अभी और तुम घर पर रहो, दादी का भी तो ख्याल रखना है, वो अकेले कितनी परेशान होंगी। और दी आप अकेले ऐसे कैसे? देखो ये जो कुछ भी है ये मुझे अकेले जाकर ही उन्हें बताना होगा। प्लीज घर जाओ। और अब तो मेरे पास प्रूफ भी है, वो मेरी बात पर जरूर यकीन करो। अगर आपको ऐसे ही सही लगता है तो यही से आप प्लीज बस अपना ख्याल रखना। ओके बाय।
थैंक्स यार एंड सॉरी तुझे इतनी तकलीफ उठानी पड़ी यार। अरे प्रॉब्लम है, दोस्त काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। ठीक है चलता हूँ। आलिया निखिल आई थिंक हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अभी घर जाना चाहिए इससे पहले कि प्रज्ञा अभी को सब कुछ बता दे। हमें रोकना चाहिए उसे, जैसे कि तुम्हारे बोलने से वो रुक जाएगी। I'm sure अभी तक तो जाकर उसने अभिषेक प्रेम मेहरा को सब कुछ बता भी दिया। हो सकता है ना भी बताया। बस बहुत हो गया ये रोज रोज का डरना, रोज रोज का खेल खेलना, रोज रोज का प्लान बनाना, कोई ना कोई नया प्रॉब्लम आना और उसका सोल्यूशन ढूंढना। एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा। हर बार हम अभी को प्रज्ञा से दूर करते हैं और फिर भी डर में जीते हैं, तो अगर उनको अलग करके हमें ऐसे ही डर में जीना है तो लानत है ऐसे जीने पर। इससे तो बेहतर है मर जाए। You're right. You know what? मैं भी यह रोज की टेंशन से पक चुकी। वो बहन जी साथ में हो तो प्रॉब्लम, नहीं हो तो भी प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालना ही होगा और वो सोल्यूशन है प्रज्ञा की मौत। हमें अगर चैन से जीना है तो प्रज्ञा को मरना ही होगा। इसके दिमाग में एक और हॉरिबल आइडिया है। अरे तुम प्रज्ञा को मारने का नहीं, हम तीनों को मारने का प्लान बना रहे हो। तुम्हें पता है अगर प्रज्ञा को कुछ हो गया ना तो हमें जेल हो जाएगी, फांसी हो जाएगी हमें। अच्छा तुम क्यों नहीं देती कोई आइडिया, एक छोटा सा हा? जैसे सब कुछ तुमने हैंडल किया है ना, तुम ही हैंडल कर दो सब कुछ। टेक ऑल द क्रेडिट। ये सब कुछ मैं क्रेडिट लेने के लिए नहीं कर रही हूं। ओके यू नो व्हाट, जस्ट स्टॉप इट बोथ ऑफ यू। हद हो गई है यार। और देखा जाए तो सही तो कह रहा है वो, हर बार टेम्परेरी सॉल्यूशन निकाल निकाल कर क्या होता है, प्रॉब्लम फिर हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। अगर इससे आगे अगर प्रज्ञा ने अपना स्टेप बढ़ा लिया ना तो हमारी लाइफ वहीं खत्म हो जाएगी। तुम तो बाहर निकलोगे निकलो, साथ में मुझे भी इस घर से बाहर निकाल देंगे और मैं बाहर बाहर पड़े रहकर फिर प्लानिंग और प्लॉटिंग करती रहूंगी। एक बार वो मर जाएगी ना तो फिर हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीत सकते हैं। इसलिए इस बार उस प्रज्ञा को परमानेंटली हमारी लाइफ से हमें निकालना ही होगा, तभी जाके हम अपनी चैन की सांस ले पाएंगे। और प्रज्ञा को मारने से बेहतर कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकते। रोज रोज घर के जाले को साफ करने से बेहतर है मकड़े को ही मार दिया जाए। उसने ये भी कहा कि वो कभी लौट के नहीं आएगा, कोई नहीं जानता कहाँ है कैसा है वो। ठीक भी है अनिल। हे भगवान ये ठीक हो, बस इनके दिमाग में कोई ऐसा वैसा ख्याल ना है, ये खुद को कुछ कर ना ले। नहीं नहीं मुझे जल्दी उनके पास पहुंचना होगा, एक बार मैं इनके पास पहुंच गई तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। पकड़े जाने पे पेट दर्द की एक्टिंग करनी पड़ी और क्या क्या नहीं किया। ओह माय गॉड, हमारा हथियार हमारा बच्चा था डार्लिंग, हमारा बच्चा, वो बच्चा जो कभी अभी का था ही नहीं, जब जिंदा था तब भी नहीं था, अब मर गया है तब भी नहीं उसका। आज मैं इन्हें सब कुछ बता दूंगी, दिखा दूंगी उन तीनों की सच्चाई, बस वो मेरी बात सुन ले। अरे उससे मैं आकर वो मुझे वहां से भी जाने को ना कहते। नहीं नहीं मुझे अच्छा सोचना चाहिए, नो नेगेटिव थॉट्स। इस बार इनको मेरी बात माननी भी होगी और सुननी भी होगी। मेरे पास सबूत है जिसे देखने के बाद उन्हें मेरी हर बात पर यकीन हो जाएगा।